उस महामारी के नजदीक था जो इस धरती को नियंत्रित कर रही थी। ये जो भी था जानता था कि मैं आ रहा हूं। राजा, मेरा परिवार, किरत ने मेरा जीवन दूर की यादें थी। जैसे मैं किसी अवचेतन अवस्था में हूं, मैं शंग्रीला को बुराइयों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध था। वापस लौटना कोई विलाप नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सब पीछे छोड़ना था।
अभी। खोजकर्ताओं को देखकर मेरी इच्छा हुई कि काश ये शेर अपना इतिहास बता पाता। मैंने सोचा कि क्या युद्ध में इनमें से कोई व्यक्ति उसका सहयोगी रहा होगा। जहां वो असफल रहे थे, क्या मुझे वहां सफलता मिलेगी? हुए खोजकर्ताओं को देखकर मेरी इच्छा हुई कि काश ये शेर अपना इतिहास बता पाता। मैंने सोचा कि क्या युद्ध में इनमें से कोई व्यक्ति उसका सहयोगी रहा होगा। जहां वो असफल रहे थे, क्या मुझे वहां सफलता मिलेगी? खोजकर्ताओं को देखकर मेरी इच्छा हुई कि काश ये शेर अपना इतिहास बता पाता। मैंने सोचा कि क्या युद्ध में इनमें से कोई व्यक्ति उसका सहयोगी रहा होगा। जहां वो असफल रहे थे, क्या मुझे वहां सफलता मिलेगी? Thank you.
आदेशों का बयान करते मिथक जिन्होंने बहुत पहले शंग्रीला की यात्रा की थी। भिक्षुओं ने कीरा के मर्ग के अनुसरण करने का प्रयास किया और उन्हें असाधारण ज्ञान प्राप्त किया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इन मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण सिर्फ अपने ध्यान की शक्ति से ही किया था।
प्रश्न करता हूं कि क्या मुझे इस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। राजा के प्रति मेरा औपचारिक कर्तव्य शैंग्रिला की खोज के साथ समाप्त हो गया, लेकिन जहां इस यात्रा की शुरुआत कर्तव्य से हुई थी, वहां इस धरती ने इसे एक उद्देश्य दे दिया।
मन। Yeah.